अच्छा तो आज हमें भी जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये हार्ट शेप रॉकेट है, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाना है। तो सबसे पहले इसको हमने तो इसके लिए सबसे पहले हमने कर्नल करना है फर्स्ट विंडो, और उसी तरह इंटर कर और इसको यहाँ से चलाना शुरू करना है। तो पॉइंट पहला यहाँ पर ऐसे, ये पॉइंट ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ और डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हमने इसको ऑफसाइड करना है, ऑफसाइड 2 पॉइंट और ओके हो गया ठीक है। ये हमने ऑफसाइड कर दी है। उसके बाद हमने इसको ये हमारा कर्व हल्का सा बाहर निकालना है, इसको ट्रिम करना है ऐसे ठीक है। उसके बाद सेकेंड विंडो में जाना है और ये है एक्सटेंड कर्व। इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले बाउंड्री सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हमने इस कर्व को लगाना है। तो बाउंड्री हमारी ये है, ये क्लिक किया और राइट क्लिक, और अब कर्व को सिलेक्ट करना है। यहाँ तक हमने लेके आना है, तो लेकिन यहाँ तक लाके छोड़ देते हैं ठीक है। इसको हम पॉइंट देते हैं, इसको हम पॉइंट से आगे ले जाते हैं ठीक है। इसको पॉइंट देते हैं और यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं ऐसे ठीक है। और इसको हल्का सा ऐसे करते हैं, स्केप करते हैं, और उसके बाद हम इसको मिरर करते हैं ये चीज ऐसे ठीक है। और ये ज्वाइंट ये सीधा सीधा काम है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं ठीक है। उसके बाद इसको पैच करेंगे हम और इसको यहाँ से ट्रिम करेंगे ठीक है। इसको हम गेज दे देंगे, अब ऑफ साइड सरफेस में जाएंगे और ये सेकेंड विंडो ऑफ साइड बोथ साइड करेंगे 0.6 ऐसे ठीक है। इसको ये वाला कलर देते हैं और उसके बाद इसके डुप्लीकेट एज इसको पकड़ के हम इसके सेंटर का कर देते हैं, तो इंटर ऐसे ठीक है। उसके बाद इसको हम अनसेलेक्ट करेंगे, इसको भी अनसेलेक्ट और इसको भी अनसेलेक्ट। ये अनसेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ ऊपर ले आते हैं ऐसे इस जगह पर, यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ रखा हमने इसको। उसके बाद F6 दबाएंगे, F6 के बाद जेम ऑन कर ठीक है, F4 डाउन एंड देन चेक, ये इसको स्टार्ट पोजीशन और ये एंड पोजीशन ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन नो प्रॉब्लम ठीक है, नो प्रॉब्लम। राइट क्लिक और F6 जेम ऑन कर, थोड़ा ये लगा रहे हो ठीक है। इसके लिए हम कर्व को करते हैं ब्लास्ट और इसको हम डिलीट करते हैं ठीक है। इसको हम रीबिल्ड करते हैं, ये हमने रीबिल्ड किया इसको 200 और प्रीव्यू। अब F6 दबाते हैं ठीक है, जेम ऑन कर चला के देखते हैं इसमें, और डाउन एंड देन ऑब्जेक्ट ठीक है, ओके ठीक है। इसको हमने यूटिलिटी में जाना है और ये अनग्रुप, इसको अनग्रुप करना है और इसको भी अनग्रुप, इसको ग्रुप और ये मिरर ठीक है। इसके बाद ये ग्रुप हमारा हो गया ठीक है। उसके बाद ये जेम सिलेक्ट करने के बाद हमने F6 लगाया और जेम कटर ठीक है। जेम कटर में जाने के बाद हमने सब नीचे आना है और ये वाला कटर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना ठीक है। राइट क्लिक इस पे सेलेक्ट करना है सरफेस को और सॉलिड में जाना है और डिफरेंस और राइट क्लिक। तो देखिए अब हमारा ये स्टोन्स हमारी सेटिंग हो गई, ओके हो गई ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमने ये स्टोन्स पकड़ने सारे और सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद हमें इधर इधर आना है ठीक है, और ये जीन्स को हमने इसमें डालते हैं ठीक है। यहाँ जाके सबसे पहले हमने इसका साइज सेलेक्ट करना है 0.6 एंटर, बैक 0.6 एंटर, हाइट 7, ये भी हाइट 7 और ड्रॉप 1.5 और ये एंटर ठीक है। राइट क्लिक, ये सारे रंग हमारे पास आ गए। यहाँ एक जंग नहीं है इसका, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करने के बाद F6 दबाएंगे, तो हम सरफेस ठीक है और
स्नैप बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पहले इसका ड्रॉप सेट करते हैं, हाइट और हाइट 7.6 है, ओके है। एक यहाँ जंग लगाते हैं और एक जंग यहाँ, ठीक है। उसके बाद सारा सेलेक्ट करना है और इसको हमने ग्रुप करना है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद इसको ग्रुप और ये एक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है यूटिलिटी के ड्रॉपिंग डाउन में और ये देखिए शेप रेडी हो गई। इसको हम हाइड कर देते हैं यहाँ से ऐसे, और अब हम इसका जो अंदर वाली शेप है इसका लाइन वर्क शुरू करते हैं। इसका लाइन वर्क यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये शेप और ये चीज यहाँ पे ऐसे, इसको हम यहाँ ले आएंगे ऐसे, यहाँ तक ये तस्वीर थोड़ी सी खराब रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ये हम इसको यहीं लेंगे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ पर, यहाँ, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे, और ये भी बहुत स्लो हो गया है। इसको हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। के बाद दोबारा इंटर करना है और यहाँ से स्नैप खोलने के बाद यहाँ से एक पॉइंट शुरू करते हैं उसका, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ तो छोड़ देते हैं। यहाँ रखा पॉइंट इसका, यहाँ पॉइंट, यहाँ ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, इसका पॉइंट यहाँ पर ऐसे, ये पॉइंट यहाँ, और उसके बाद हमने इसको यहाँ लगा, ठीक है। इसको हम हल्का से यहाँ से पॉइंट दे के बाहर निकालते हैं, देख रहे हैं। तस्वीर से देख रहे हैं, बाहर निकाल दिया मैंने इसको। तस्वीर एक आइडिया है हमारे पास, कोई इतना इशू नहीं है, पर तस्वीर से थोड़ा लाइन वर्क बाहर भी निकला है, क्योंकि हमने लाइन वर्क को बेहतर खुद बेहतर करके बनाना है, ठीक है। ये देखें, अब ये तस्वीर, ये देखें, ये अंदर चला गया यहाँ से। अब देखें कि शेप कितनी अजीब लग रही है, यहाँ से गोलाई जाके यहाँ से अंदर जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से उसको शेप ठीक करने के लिए इसको बाहर निकालेंगे। सैंपल हमारे पास नहीं, तस्वीर है, तस्वीर जस्ट आइडिया होती है, ठीक है। उस तस्वीर में मक्खी नहीं मारी जाती हमारी। उसके बाद इंटर कर दोबारा से, और यहाँ हमें लाइन वर्क से चलाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ लेके आएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर, यहाँ ऐसे, और यहाँ, ठीक है। जहाँ जहाँ वो निशान है वहीं से मैं चला, ठीक है। आपके ये पॉइंट यहाँ, ये देखिए एंड पॉइंट है इसका, ठीक है। ये देखिए अब ये लिखा हुआ है एंड पॉइंट, ये देखिए एंड आगे सीधा इसने जोड़ा है, इसको जोड़ दिया, ठीक है। लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक, कमांड से, ठीक है। अब आप जहाँ जहाँ से नहीं करेंगे शेप ठीक नहीं, वहाँ से शेप ठीक करेंगे। ये ओके ठीक है। अब ये आगे हमारे यहाँ पे ऐसे शेप हमने बना ली। अब इस शेप को हमने इस तरह से बनाया, थोड़ा सा उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या काम करना है, दोनों कलर अलग-अलग रख करते हैं, ठीक है। और इसको अब हम यहाँ से हम देख रहे हैं तस्वीर में कि कहाँ से बीस ऊँचा, यहाँ से बीस नीचे और यहाँ से ऊँचा, ठीक है। तो ये वाला बीस नीचे, ओके। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम ये पकड़ेंगे और ये है ब्लास्ट, ये दो हिस्सों में कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ वाला ये है जॉइंट, जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा ये एक कर देगा सारा, समझे। इसने एक कर दिया और इसने ब्लास्ट दो हिस्सों में कर दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए एक कंट्रोल ई कर पकड़ेंगे और एक कंट्रोल डाल देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल फ्री पॉइंट्स आ गए, तो इसको लॉक करना है यहाँ से, ठीक है। ये लॉक, और ये पॉइंट, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसा। उसके बाद हमने इसको ऊपर ले जाना है ऐसे, ठीक है। ये आ गया हमारा पॉइंट, तो हम यहाँ से ऊंचा करते हैं पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे, ओके, यहाँ से ओके हो गया, यहाँ से भी ऐसे, ये ऊपर हो गया। अब ये स्केप का है, ये स्केप करेंगे तो पॉइंट छोड़ देगा। उसके बाद इसको एक पॉइंट पकड़ा हमने और यहाँ ले पॉइंट के साथ ऐसे मिला, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को हमने यहाँ ऐसे मिला, इस पॉइंट को हमने यहाँ ऐसे मिला, ठीक है।
ये ऐसे ठीक है, ये ले आए यहाँ पर, ओके हो गया ना, क्या कह रहा हूँ। उसके बाद ये पॉइंट पकड़ना, हमने इसको हल्का सा लाइसेंस किया, ये हमने नीचे कर दिया ओके। और यहाँ जाके अब हमने तस्वीर खोल ली, तस्वीर खोल के हमने देखना यार यहाँ से ये पूछ है ठीक है, और यहाँ से ये थोड़ा डाउन जा रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ से ये वाला जो है ना, ये वाली शेप की जगह उसको पॉइंट देते हैं, उसको हम नीचे कर देते हैं ठीक है। यहाँ से ऐसे ये हो और ये ठीक है, ये सारे पॉइंट और हम देखते हैं यहाँ से नीचे ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा नीचे बहुत ज़्यादा लाइट। तो हम अभी उसको सेट भी कर ठीक है, ऐसे सेट करना ये ठीक है। और इस पॉइंट को दोबारा कर देंगे, उसको हम इसको लाते हैं ऊपर ऐसे, और इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे ठीक है। इसका अल्फा हम यहाँ ले आते हैं ठीक है, इसका अल्फा हम ऐसे ले आते हैं ठीक है, ऐसे या एक पॉइंट है तो ये यहाँ पर है ना, तो इसका अल्फा हम यहाँ मिला देते हैं ठीक है। इसको यहाँ ऐसे ले आते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे कर ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और उठाते हैं पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा सा उठाते हैं यहाँ से ठीक है, और इस पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे ये और ये ऐसे थोड़ी सी इसको नीचे करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से, एक सीक्वेंस हमारा लेवल होना चाहिए ठीक है, और ये यहाँ से ठीक है, ये ऐसे हो गया हमारा। अब यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के ना हमने इनको ऊपर कर देना, ये चीज ऐसे हल्का नाइस, इसको भी ऊपर करना है, इस पॉइंट को पकड़ के हमने यहाँ से ऐसे ठीक है, और इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से ऐसे ऊंचा करना है, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से ऐसे ऊंचा करना है ठीक है, ये और ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे ठीक है, ये हो गया हमारे पॉइंट ऊंचे हो गए यहाँ से ठीक है। इधर हमने अब इनको पकड़ के ना इस पॉइंट को अब तस्वीर खोलेंगे, तस्वीर में देखते हैं ये वाली साइड, ये वाली साइड ऊंची है ठीक है, ये वाली साइड ऊंची है, ये वाली साइड हमारी ऐसे शेप भी डाउन जा रही है ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अनलॉक करते हैं, इसको भी ब्लास्ट करते हैं ठीक है, और दो हम पॉइंट देते हैं ठीक है, और पॉइंट देने के बाद हम इसको इससे ऊंचा कर देते हैं यहाँ लिया ठीक है, इसको हम स्केप करते हैं पहले ठीक है, और इसको दोनों को पॉइंट देके हम इसके साथ पहले मिला अपना यार, ये पानी तो देख लो ये यहाँ पर ऐसे, ये चीज है ये आ गया, ये देखो अभी ये हमने यहाँ तक तक काम कर लिया ठीक है, और उसके बाद हमने इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ ऐसे ऊपर लिया जरा था ऐसे, यहाँ पॉइंट पकड़ के हमने इसको यहाँ से ऊपर लिया, यहाँ ऐसे ये था ऊपर लिखा ठीक है, इस पॉइंट को भी हमने पकड़ के यहाँ से ऊपर लेके जाना, ये देख रहे ये चीज ऊंची हो गई, ये ऐसे यहाँ से ऐसे, ये चीज यहाँ से ऐसे, इसको मजीद ऊंचा करेंगे यहाँ से ठीक है, ये आगे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ से, ये सॉरी ये पॉइंट मैंने नीचे लेके जाना था, मैं ऊपर ले आया, ये पॉइंट नीचे जाएंगे हमारे ऐसे, ये यहाँ से हल्का सा नीचे ठीक है, ये पॉइंट हमारा नीचे की तरफ जाएगा ऐसे ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा ठीक है, ये हल्का सा हमारा लाइट सर ओके, यहाँ से इस पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे, सारा काम इन पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स काम कर रहे हैं ठीक है, और ये वहाँ पर लग जाता था कर देते हैं, ये चीज ऐसे, ये चीज ठीक है, अब इसको स्केप करते हैं और दोनों कर्मों को सरफेस में जाएंगे और ये सॉरी क्या करना, ये लॉक करना है, ये है लॉक, उन्होंने सामने ध्यान क्या रहा है देख रहे हैं, यहाँ से कर यूं जा रहा है नीचे की तरफ और यहाँ से ऊंचा नहीं जा रहा ठीक है। अब दोबारा से ना कंट्रोल पॉइंट देके और ज्यादा मजीद नहीं जगह ये काम करना ठीक है, ये ऐसे ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे
के और इसको यहाँ से पॉइंट को हम यहाँ से ऊंचा कर देंगे, ये चीज खोलते हैं, चीज के मुताबिक हम इसको ऊंचा करते हैं ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अभी जो हमारा पीस है ना ये हार्ट शेप का, हमने इसके अंदर से इस जिगजैग को लेके चलना है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से गुजारना है, ये पॉइंट देखे मैं नीचे कर दूँ, ठीक है। पॉइंट को हल्का सा सिर्फ इस पीस के हिसाब से देख, ठीक है, इस पीस के हिसाब से, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। और चल बाद आ जा, गल्लां ही चंगीयां। उसके बाद यहाँ पॉइंट यहाँ आ, तेरा सिर पाड़ देना और तू मेरे ना आंदा अगे दे, चल ये पॉइंट यहाँ कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर एक दो पॉइंट और है, ठीक है, उनको हम सिलेक्ट करके इन पॉइंट को हम यहाँ से नीचे, ठीक है, देख रहे ये पॉइंट हमें नीचे कर दी, इस पॉइंट को हमने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने इसके साथ यहाँ मिला, यहाँ ये कर, ठीक है। इसको हम ले जाके यहाँ हल्का सा हमारा मेरी जान तू नहीं लाया, लाया पाई बहुत छड़ गया लेकिन अभी ये पीस जो है ना हमने इसको क्या करना है यहाँ से उसके बाद देन यहाँ पॉइंट है एक हमारा नहीं आ रहा है, ये पॉइंट इसको पॉइंट देना पड़ेगा, ऐसे और यहाँ नीचे ऐसे करेंगे, ठीक है। तस्वीर में जो हमारा बना है ना, हमने वो नहीं बनाना, हमने इसको जो हमें चीज बताई गई है ना, हमने वो पॉइंट देके वो शेप बनानी है, ठीक है। जो चीज बना रहा हूँ ना तस्वीर के मुताबिक नहीं है, तस्वीर में हमें जो बताया गया वो नहीं हमें बनाना, तस्वीर में हमें ये हार्ड शेप बताई गई थी, ऐसे ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये किसी और तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, ये तस्वीर के मुताबिक नहीं है। ये देखो यहाँ से कैसी शेप है और यहाँ से कैसी शेप है, नहीं मेरी बात आपको कैंसिल करता हूँ, आप इसको पॉइंट देके देखते हैं, इसको लॉक करते हैं, ये देखो यहाँ पे शेप देखें, यहाँ पे कैसी शेप है, ये देखो, ठीक है, और यहाँ पर कैसी शेप है, इसको कैंसिल करते हैं, अब इसको पॉइंट देते हैं, ठीक है, इसको लॉक करना है यहाँ से और इसको पॉइंट देके इसको हमने यहाँ से नीचे करना है, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, और इसको भी हल्का सा हमने नीचे ले आना है यहाँ पर, इसको हमने ऐसे करना है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ऐसे करना है, उसके बाद स्केप और डोनेट हुआ है, इसलिए हमारी ऐसे बनी और इसको हमने लॉक किया और इसको लॉक किया, ये चीज़ हमारी ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ पे हल्का सा खड़ा कोई तरह इशू नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं करते हैं और इन पॉइंट्स को यहाँ पर पॉइंट देके इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिलाया, ठीक है, यहाँ मिला दिया और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला, ठीक है। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा सॉरी कितने का देना वाले
यहाँ पे ले जाते हैं। इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ले जाते हैं ऐसे, ठीक है, इसको आ चाहिए यहाँ पे ले जाते हैं ऐसे, सामान चाहिए हमें फिक्सचर रेशो में और इसको लॉक कर दें, ठीक है, ये लॉक 1 टेरा बाइट 2 GB का कार्ड था और ये लॉक ओ सही से बना है बन गई क्या अब कोई गैप आपको इतना बना दे रही अब यहाँ से बहुत ज्यादा ऊंचा जा रहा है। हमने क्या कर रहा है इसके लिए, हमने इसको कंट्रोल पॉइंट दे दोबारा से और इसको हमने यहाँ से शेप नहीं खराब होती है, बताता हूँ देखेंगे ना यार क्या चीज बन रही है, सही है नहीं बन रही, हाँ मुकम्मल नहीं हुआ हमारा, ये उसके बाद इसको लॉक कर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, हमें रिक्वायर्ड है ये वाली चीज की, यहाँ से इस तरह बनानी है और यहाँ से दो हमें ये चीज बनानी है, ठीक है, अब यहाँ से हमें शेप ठीक करनी है, इसको कंट्रोल पॉइंट देंगे, यहाँ कंट्रोल पॉइंट दिए और इसको हल्का यहाँ से हमें नीचे कर दिया, और ये इसके अंदर से गुजरता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये चीज हमारी कोई मसला नहीं है, इसके अंदर से गुजरता हुआ आ रहा है, ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको सारे को पकड़ना है, ये देखिए यहाँ से हमारा कर जाना, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये और ये दो पॉइंट पकड़े इसको हल्का सा ऊंचा किया, उसके बाद इस कर को पकड़ के पॉइंट दिए यहाँ से और यहाँ से, इसको हम हल्का सा यहाँ से ऊंचा कर दिए, यहाँ से जो भी ऑन करना है यहाँ से इसको ऐसे ऊंचा कर दिया ऐसे, ठीक है, और स्केप कर अब शेप देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ये ओके है, ठीक है, ये लॉक कर दिया यहाँ से इसको हमने, उसी तरह इसको पकड़ के ये है लॉक, ठीक है, इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है, ओके, मुझे पहले कर दिया सही सही कर दिया, चलो तो पहले तो बाइंड दी, ठीक है, ये हमारा ये शेप जो भी है आपने ये पहले कर दिया ना यहाँ प्रोटेक्शन, ये क्या कर रहा है इसको, मैं वो पक्का ही बंद की कर पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हल्का कर दो ऐसे, ठीक है, ये चीज ऐसे हो रही वाली यहाँ से, इसको पॉइंट दिए, इसको पॉइंट दिए हमने और इसको पॉइंट दिए हमने और इसको पॉइंट दिए हमने और इसको हमने हल्का सा यहाँ से उसके बाद ये पॉइंट दिए हमने और इसको हमने हल्का सा ये वाला पॉइंट दे के हमने इसको यहाँ से ऐसे उठा लिया, ये ठीक है, डिफेंडर ऑफ करो अपना, ठीक है, ये वायरस वर्ड प्रोटेक्शन और रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करो, ये ठीक है, ओपन चेक से हमारी रेडी, वो भी रखा हूं अब हम इसको बड़ी भी हो, ये देख सेकंड में हो जाएंगे, ये है ऑफसाइड कर रहा है ऑफसाइड सरफेस, ठीक है, इसको पॉइंट पाई तो बहुत साइड हो गए, ये देखिए यहां नो करेंगे और इसको पॉइंट फाइव करेंगे, अब ये सिर्फ नीचे की तरफ एक साइड पे गिर जाए, इसके अंदर से ये गुजरती हुई आ रही है ऐसे ही है, इसके लिए बेहतरीन हल सबसे पता क्या है, स्टोन मैंने क्यों रखे हैं, स्टोन देख रहे हैं आप इसमें कहाँ कहाँ पे है, एक हमें स्टोन ये चाहिए, इसको ये है अनग्रो, ठीक है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये यूटिलिटी में जाएंगे, ये है अनग्रो, ठीक है, अनग्रो, और इसको दोबारा राइट क्लिक करेंगे अनग्रो, फिर अनग्रो, ठीक है, एक ये वाला स्टोन हमने इस कलर दे दिया और यहाँ पे जाके हमें ये वाला स्टोन, ठीक है, एक ये वाला स्टोन हमने अनग्रो करके इस वाले लेयर में बंद कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ से लिए दो स्टोन, ठीक है, सेलेक्ट है हमारे दोनों स्टोन, हमने दोबारा F6
और ये देखें जेम कटर, इस पर क्लिक करना है, एक विंडो खुलेगी और नीचे जाके अपनी मर्जी से जो सा हमें सूटेबल कटर वो हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे ऐसे यहाँ पर और ये वाला कटर सेलेक्ट करना है और इसको अप्लाई, ठीक है, और राइट क्लिक करना है। अब देखिए ये आर पार हो रहा है इसमें, ठीक है, हमने इन सर्फेसों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और सॉलिड में जाना है और ये है डिफरेंस डिफरेंस, और इसको दबाने के बाद हमने ये जो कटर है इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और राइट क्लिक कर जगह बीच में ये चीज हमारी जगह भी खाली होगी, हमारी शेप भी मुकम्मल होगी। अब ये यहाँ पे है, हम इसको भी खाली कर देते हैं, ठीक है, इसको भी उसी तरह से ये विंडो खुल चुकी नीचे यहाँ डाल दें ऐसे और राइट क्लिक करें, विंडो जरूर खुलेगी अभी इसकी। अब ये पट्टी सिलेक्ट की हमने और सॉलिड में जाना है ये डिफरेंस और इस पर राइट क्लिक, ठीक है, ये ऐसे देख रहे हैं, ओके हो गया, ठीक है। अब हमारा ये काम, इसको हमें सब सारे को सेलेक्ट करना है और ये है ग्रुप, यूटिलिटी में जाएंगे, ये है ग्रुप, ये है अनग्रुप, ठीक है, इसको दबाएंगे ग्रुप को, ठीक है, और ये हमारा लॉक है, इसको अनलॉक करेंगे और सारे को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक जैसे ही करेंगे अब उसी कमांड में वापस आ जाएंगे, राइट क्लिक, ये उसी कमांड है, ये ग्रुप हो गया था, ठीक है। अब ये हमारा एक पीस बन गया, ठीक है, ओके हो गया हमारा एक पीस, इसको ये ले आते हैं, हमारा ये भी हमारा ओके हो गया, ठीक है, तो हम सेलेक्ट करने के बाद ये रन कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे नगीने ओके हो गए, ठीक है, इसके नीचे बाद में लगता है चक्का, लेकिन हमने लगाना नहीं है कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इतना ही बना, ठीक है, छोटे छोटी पॉइंट जो है बताइए समझ नहीं आपको, ग्रुप अनग्रुप बाकी ऐसा ऐसा सारा काम समझ जाओगे कैसे, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा आगे, तो हमारा काम बस ये अभी यहाँ तक, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा आगे का स्टेप, इसके बार सारे मेन्यू एक एक मैं आपको सारे सिखाऊँ, ये कर मेन्यू है, ये सरफेस है, ये सॉलिड, ये ट्रांसफॉर्म, ये सब, ये आर्ट, ये रेंडर, ये कटर, ये सेटिंग, ये चेन, ये रूल, ठीक है, सारा बताऊंगा आपको वन बाय वन। चलो आपको कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम एक छोटा टॉप जो टॉप डिजाइन होता है वो कैसे करते हैं, ठीक है, अभी तक का काम उतना ही है, चलो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।